नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार का परिशिष्ट पूरा होने के बाद 19 नंबर का कलश हो गया और उसके बाद आचार्य देव ये कह रहे हैं कि अब आत्मा को प्राप्त करने की उपाय की चर्चा चल रही है अपनी। तो पहले तो ये बात आ गई थी कि ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप होने से जो गेय भूत ऐसी बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति उसकी मैत्री प्रवर्तती है, ये चर्चा हुई। और इसलिए आत्मविवेक शिथिल हुआ होने से अत्यंत बहिर्मुख ऐसा वह पौद्गलिक कर्म के रचयिता राग द्वेष परिणति होता है और इसलिए उसके आत्म प्राप्ति दूर ही है। यहां तक चर्चा हो गई थी। इसमें क्या था कि एक कल अपन जो थोड़ा आगे बढ़े उसमें थोड़ा अभी कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये जो दो चर्चा आई थी ना, सामान्य चर्चा तो अपन ने कल कर ली थी लेकिन थोड़ी इसमें और भी चर्चा है जो अपने को थोड़ा आज समझना है कि परंतु जब वही आत्मा, हाँ देखो मैंने पहले तो उल्टा जो विपरीत चला, अब हाँ उसकी दूर है वो तो उसकी तो बात ही नहीं है। अब वही आत्मा कि जिसकी आत्म प्राप्ति दूर है, जब वही आत्मा, क्योंकि देखो जो अज्ञानी था वही ज्ञानी होगा, अड़तीस नंबर की गाथा में समय सार में लिया ना, अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कैसा कि मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और उस न्याय से देखे, है ना। तो जैसे क्योंकि कोई भी ज्ञानी है ना तो कोई अनादि से ज्ञानी नहीं है, अनादि से सबका इतिहास एक जैसा है, नित्य निगोद से सब निकल करके आए, हेड ऑफिस सबका वही है, है ना। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो सबका पियर वही है, समझ आ गया। तो वहीं से सब निकले, भगवान हो तो भी वहीं से निकले। तो अभी तक जब उल्टा चल रहा था तब तक यह परिस्थिति थी, अभी जब सुलटा हुआ तभी क्या हुआ, अभी फिर से इसको थोड़ा लेते हैं, बहुत गजब का है ये प्रकरण ये। परंतु अब जब यही आत्मा प्रचंड कर्म कांड द्वारा अखंड ज्ञान कांड को प्रचंड करने से, अब ये प्रचंड कर्म कांड क्या है और ज्ञान कांड क्या है, देखो तो सच में तो प्रचंड कर्म कांड में मूल में तो क्या है, जो अंतर्मुख दृष्टि हुई वास्तव में तो कर्म प्रचंड कर्म कांड वही है जिससे ज्ञान कांड की उत्पत्ति होती है, यह बात बराबर है। लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि जब अपन ने ए 47 नयों की चर्चा करी थी तब उसमें दो नए आए थे, एक क्रिया नए आया था और एक ज्ञान नए आया था, है ना। तो क्रिया नए माने ज्ञानी की भूमिका में क्रिया नए से जिसकी सिद्धि सदती है ऐसा, और ज्ञान नए से जिसकी सिद्धि सदती है ऐसा, दोनों धर्म एक ही आत्मा में और एक ही समय में होते हैं, अलग अलग आत्माओं में ये धर्म नहीं होते, और किसी आत्मा में क्रिया धर्म और किसी आत्मा में ज्ञान धर्म ऐसा नहीं होता, ये चर्चा बहुत उस समय अपन लोगों ने करी थी, है ना। तो यहां जो कर्म कांड कह रहे हैं ना, तो कर्म कांड का मतलब क्या है यहां पे कि वो जो भूमिका में उसका राग मंद 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 मंद, ज्ञानी है ना, तो अब समझाना किसकी ओर से कि सचमुच में राग में मंदता 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 और आई, तो वहां पर हुई क्या है वास्तव में, तो क्या हुआ है वहां पे कि शुद्धि बड़ी है, जैसे चौथे गुणस्थान में राग मंद है और चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से पांचवें गुणस्थान वाले का राग और मंद है, कम हुआ ना, मैंने राग की तीव्रता घटी, मैंने बढ़ता हुआ शुभोपयोग लिया वहां पर,
मैंने बढ़ता हुआ शुभ उपयोग मतलब राग मंद, उससे और मंद और उससे और मंद, ये तो अपन ने देखी मंदता की परिस्थिति। लेकिन जब राग के मंद, राग में जब चौथे गुणस्थान में से पांचवें गुणस्थान में और पांचवें गुणस्थान से छठे सातवें गुणस्थान में राग की मंदता मंदता और मंदता होती गई, तो उधर अंदर में क्या हुआ कि अंदर में बड़ी शुद्धि। और जब जब भी ज्ञानी शुद्धोपयोग में जाएगा तो उस मंद राग का लक्ष्य छोड़ के जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया कि उस मंद राग का लक्ष्य छोड़ करके जाएगा। कभी भी अशुभ राग से किसी को सीधा शुद्धोपयोग नहीं आता। मुनिराज को तो यह समस्या ही नहीं, क्योंकि मुनिराज की भूमिका में तो होते ही शुद्धोपयोग और शुभ भाव है, और अज्ञानी को चक्कर है ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो शुद्धोपयोग का कोई सवाल ही नहीं है। और ज्ञानी चौथे पांचवें गुणस्थान वाले के अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों होते हैं, तो वो अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग में नहीं जाता कभी भी, एक पॉइंट। और जब शुद्धोपयोग से च्युत होता है तो सीधा कभी अशुभोपयोग में नहीं आता, ये नियम है। तो काय से जाएगा वो माने शुद्धोपयोग में किससे जाएगा वो, तो शुभोपयोग से। अब शुभोपयोग से जाएगा, ये जब शब्द आता है जिनवाणी में तो लोग इसका उल्टा कहते हैं, शुभोपयोग से जाएगा, इसका मतलब वे क्या समझते हैं, शुभोपयोग करते करते जाएगा, शुभोपयोग करेगा तो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ हाँ हो गया, नहीं उसके पीछे, उसके पहले उसको कितना ही परिणाम शुभोपयोग, मुनिराज का उपदेश सुनने वगैरह का परिणाम आया था, करण लब्धि वगैरह होती कि नहीं समय दर्शन के पहले, नहीं होती, कौन सा परिणाम है फिर वो, शुद्धात्मा के सन्मुक्ता रूप सविकल्प परिणाम है। कैसा है, शुद्धात्मा की सन्मुक्ता रूप सविकल्प, सविकल्प परिणाम है। अशुभ उपयोग नहीं, वो तो एक, वो तो बहुत दूर छूट गया। अरे से हैं मोटे रूप से अपन बोल देते हैं महिमा के लिए, देखो एक ऐसा चोर भी सुधर गया, लेकिन चोर सुधरने के पहले कितना सुधरा हो, जब उसने नमोकार मन वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने का विकल्प मन में आया, परिणामों में पलटा तो तभी से खा गया उसका। और भले उसने उस समय तत्व ज्ञान नहीं समझा वो, लेकिन परिणामों में पलटा खाया कि चलो एक काम अपनी जिंदगी में अच्छा करके मरो, मरना तो है। अब ये अलग बात है कि उसको आकाशगामिनी सिद्ध हो गई, और सिद्ध हो गई तो फिर वो सेठ के पास गया। अभी जो लोग बोलते ना, जो लोग मतलब कभी कभी देखो सोचो जरा कि उसने जब वो गया तो सबसे पहला नमस्कार उसने सेठ को किया, मुनिराज बैठे थे वहां पे, क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर उपकार इनका है। फिर सेठ ने उसे समझाया कि ये मुनिराज है, फिर मुनिराज को वंदन किया, फिर मुनिराज ने कहा कि भाई तुम्हारी आयु तो मात्र 8 दिन की है, तो एकदम उसने पुरुषार्थ जोर मारा उसका। तो नियम क्या है कि नियम ये इतना है कि कोई भी सीधे अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग में नहीं आता, और शुद्धोपयोग से च्युत होने पर शुभोपयोग अशुभोपयोग में सीधे नहीं जाता। चौथे पांचवें गुणस्थान वाले की बात है, मुनिराज का तो समस्या ही नहीं है, मुनिराज तो शुद्धोपयोग से गिरेंगे तो शुभोपयोग में आएंगे, और शुभोपयोग से वापस चढ़ेंगे तो शुद्धोपयोग में चले जाएंगे, मुनिराज की तो कोई समस्या नहीं है। अब श्रावक की और सम्यक दृष्टि की यह समस्या है ना, तो उसके पहले स्वरूप की, स्वरूप संबंधी कोई विचार आएगा। यह भी एक प्रश्न हुआ कि भाई अब वो जो शुद्धोपयोग होगा उसको, तो उसको अंतिम विकल्प कैसा होगा ये बताओ, बहन श्री के वचनामत में प्रश्न हुआ है कि उसका अंतिम विकल्प कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि अंतिम विकल्प का कोई नियम नहीं है, लेकिन इतना है कि स्वभाव की महिमा वाला, स्वभाव की सन्मुक्ता संबंधी, स्वभाव संबंधी ही कोई विकल्प होगा, और उस विकल्प का अभाव करके अर्थात उस विकल्प से लक्ष्य छोड़कर वो जाएगा शुद्धोपयोग में। ठीक है, तो विकल्प से निर्विकल्प, पंडित जी की भाषा है ना टोडरमल जी की, कि विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं। तो विकल्प से निर्विकल्प होने का विधान का मतलब क्या, विकल्प करते करते निर्विकल्प होने का विधान कहते, ये कहना है।
छठे से मतलब निर्विकल्प, निर्विकल्प माने विकल्प का अभाव करके, अर्थात विकल्प से लक्ष्य हटेगा उसका और शुद्ध आत्मा में लक्ष्य चला जाएगा। इसका इसका नाम उन्होंने कहा कि सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। अब उसका अर्थ लोग क्या करेंगे, देखो तो विकल्प करते करते आत्मा का अनुभव होगा, ये नहीं है बात, ये नहीं है बात, विकल्प करते करते नहीं। तो ऐसे ही यहां पर जो कहा ना कर्म कांड, तो कर्म कांड से ज्ञान कांड, तो कर्म कांड का मतलब कि वो जो क्रिया नहीं लिया था उधर, मैंने कल इसलिए मैंने ज्यादा इसको नहीं लिया था, मैंने कहा वो उतना टाइम नहीं था अपने पास कल, कि क्रिया ने जो लिया था और एक ज्ञान ने लिया था, तो क्रिया ने उस ज्ञानी की भूमिका में वर्तते शुभ भाव को बताता है और ज्ञान ने उसकी शुद्धि को बताता है। तो क्रिया माने तो कर्म कांड माने कि वो ज्ञानी जैसे शुद्धोपयोग में जाएगा ना, तो जैसे माना शुभ राग की मंदता और मंदता और मंदता और मंदता और मंदता और अंत मंदता का भी लक्ष्य छोड़कर शुद्धोपयोग में जाएगा। नक्की तो मैंने नियम तो ये है ज्ञान कांड कर्म कांड से ज्ञान कांड का मतलब तो ये है। अब लोग इसमें क्या अर्थ लगाते हैं कि देखो लिखा नहीं लिखा, प्रवचन सार में लिखा है ना कर्म कांड से ज्ञान कांड होता है, तो भाई साहब कर्म कांड से होता है। मैंने आप बोलते हैं कि मैं ये आप कोई भी चीज बाजार से खरीद के लाते हैं तो आपसे पूछा कितने में आई, तो आपने कहा 5,000 रुपए में आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां कोई गलती नहीं करेगा, 5,000 रुपए जेब से गए तब ये चीज घर में आई, गलती करेगा वहां, वहां भाषा क्या बोली है, 5,000 रुपए में आई या 5,000 रुपए से आई है ये चीज, तो उससे आई है या उसमें आई है, इसका मतलब क्या कि वो गए तो ये आई है, आ गया। इसी तरह कर्म कांड से ज्ञान कांड यानी क्या मतलब कि वो जो शुभ भाव का विकल्प था जो मंद 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 होता गया कि वो विकल्प भी टूटता गया और वो गया तब ही आया, इसका नाम है उससे ऐसा हुआ, उससे हुआ माने उसके जाने से ये हुआ, वो गैर ही आए निर्विकल्प, समझ में आ गया। अब ये अर्थ तो समझे नहीं, इसलिए गुरुदेव ने बहुत अच्छा इसका अर्थ लिया, उन्होंने कहा देखो भाई और ये नियम है ना, देखो एक चीज समझो कि अशुभ भाव और शुभ भाव ज्ञानी की बात है, पहले ये समझ लेना, अज्ञानी की तो बात ही नहीं है, अज्ञानी को और ज्ञानी को, तो अज्ञानी के तो अशुभ भाव और शुभ उससे कोई मतलब ही नहीं है, ज्ञानी को जिस समय शुभ भाव वर्तते हैं और जिस समय अशुभ भाव वर्तते हैं, तो अशुभ भाव के समय और शुभ भाव के समय निकटता किस में ज्यादा है, आत्मा में, आत्मा में निकटता, अशुभ भाव के काल में आत्मा से उतनी निकटता नहीं है, और शुभ क्यों, क्योंकि अशुभ भाव से वो सीधा आत्मा में नहीं आ सकता, अशुभ भाव को लांगेगा शुभ में आएगा, शुभ में भी कौन सा, स्वभाव की सन्मुखता का विकल्प, ये समझ लेना, शुभ में भी हम बहुत प्रकार के कथा व्रत उपवास करते करते आ जाएगा, पूजा विधान करते करते आ जाएगा, है ना, करण लब्धि, करण लब्धि और बाद में भी अनुभूति, एक बार अनुभूति होगी, पहली बार में करण लब्धि और दूसरी बार में भी जब आएगा तो स्वरूप की सन्मुखता रूप विचार आएंगे उसका, ये नियम है। शुभ भाव का मतलब हम कोई सा भी शुभ भाव लगा दें तो वो नहीं चलेगा, आत्मा अनुभव रूप मतलब आत्मा के संबंध में कोई विचार उसको रहते हैं। तो अब इससे अपेक्षा से बोला जाएगा कि अशुभ में है ना तो वो थोड़ा मैंने उसको उस आश्रय कम है, ऐसा भी जिनवाणी बोलती है, प्रवचन सार में बोला, गुरुदेव ने भी लिया प्रवचन में, शुभ के काल में आश्रय ज्यादा है, आश्रय ज्यादा है, ज्यादा है का मतलब क्या कि शुभ के काल में तो मात्र उसको शुभ का लक्ष्य छोड़ करके शुद्ध में आ जाना है। मैंने एक आदमी खड़ा है सड़क पे और एक आदमी खड़ा है मंदिर का गेट खोल दिया उसने, ठीक है ना, मंदिर का गेट खोल दिया, अब मंदिर का गेट खोलने वाला और सड़क पे खड़े वाला आदमी भगवान के ज्यादा निकट कौन है, गेट तक आ गया ना वो, तो गेट तक आ गया तो अभी गेट तक आ गया तो भगवान तक आ जाएगा ना, कि जब गेट को छोड़ेगा तब भगवान तक आएगा, सीधा सीधा न्याय है ना,
गेट पे खड़ा रहे कि मैं तो निकट हूं, भगवान के निकट हूं, आप निकाह था मैं तो भगवान के निकट हूं, तो निकट ही रहना, फिर भगवान के पास नहीं आ सकता है ना। भगवान के दर्शन कब होंगे कि जब उस गेट को छोड़ेगा, गेट अगर गेट पे खड़ा रहे तो ये तो साधन है भगवान के पास आने के लिए, गेट तो साधन है, गेट में आए बिना भगवान के पास नहीं आ सकते, आगे नहीं आ सकते। लेकिन भाई साहब गेट छोड़े बिना भी नहीं आ सकते, मतलब क्या कि भगवान के दर्शन करने आएंगे तो बीच में एक गेट पड़ता है। अब गेट पड़ता है तो तुम उसको कारण मान करके बैठ जाओ और कह ये कर्म कांड ये कर्म कांड से ज्ञान कांड हुआ, ऐसा नहीं है। गेट पकड़ रखा तो नहीं होगा। ये है वहां पे कि किससे लक्ष्य छूटा, तो जिससे लक्ष्य छूटा उसको कहा कर्म कांड, और उससे हुआ ज्ञान कांड, तो वो जो लक्ष्य छूट करके निर्विकल्पता आ गई तो उसको बोल देंगे ज्ञान कांड। ख्याल में ये कल थोड़ा समय उतना नहीं था अपने पास, तो थोड़ा ये कल मैंने नहीं लिया था जानबूझ के, मैंने कहा कल इसको अलग से लेंगे ताकि उस पर ध्यान जाए अपना। कि देखो जिनागम में ऐसे कथन अनेक आएंगे और उन कथनों के शब्दों को अगर हम पकड़ेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हो जाएगी ना। हाँ, ये देखो अब यहां पर आ गया, जब वही आत्मा प्रचंड कर्म कांड द्वारा अखंड ज्ञान कांड को प्रचंड करने से, मतलब तीव्र उसका आश्रय छूटा और अपने अपने स्वभाव का अवलंबन हुआ, इसको बोलेंगे ज्ञान कांड को प्रचंड करना। इसका मतलब क्या हुआ कि शुभ भाव है जिस समय ज्ञानी को, तो ज्ञानी को शुभ भाव है तो शुद्ध परिणति तो है, क्या कहा ध्यान से सुनना प्रचंड करने की बात करी ना, तो प्रचंड करने का मतलब क्या भाई, आग को प्रचंड करो, प्रचंड करो मतलब क्या, आग होगी तभी तो प्रचंड करोगे, आग है ही नहीं तो प्रचंड क्या करोगे। तो यहां पर कह रहे हैं ज्ञान कांड को प्रचंड करने की बात कर रहे हैं, तो प्रचंड करने का मतलब क्या हुआ कि ज्ञानी को अरे शुभ के काल में अरे अशुभ के काल में भी शुद्ध परिणति तो है, लेकिन वो शुद्ध परिणति प्रचंड ज्ञान कांड नहीं है, प्रचंड ज्ञान कांड नहीं है। प्रचंड क्यों नहीं है, क्योंकि बहिर्लक्ष्य उपयोग है ना। तो आचार्य भगवान कहते हैं तो प्रचंड ज्ञान कांड को प्रचंड करके, यानी शुद्धोपयोग की दशा, मतलब शुद्ध परिणति की उग्रता को शुद्धोपयोग कहते हैं, और उसी को ज्ञान कांड की प्रचंडता कहते हैं। मुनिराज है छठे गुण स्थान में आ गए, आए ना। अब छठे गुण स्थान में आए तो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव की शुद्धि तो है, लेकिन प्रचंड ज्ञान कांड नहीं है वहां पर। प्रचंड ज्ञान कांड कब हुआ कि जब वो सप्तम में आए, तो छठे से सप्तमी में आए कि छठे का अभाव करके सातवें में आए, बोला तो जाएगा कि ये कि पांचवीं से आया इस क्लास में, कौन सी में आया कि छठी से, कि कौन सी क्लास से आया पांचवीं से आया, ये बोलेंगे ना। क्यों ऐसा भी हो सकता, कोई चौथी से तो नहीं बैठा दिया, किसी मिनिस्टर का बेटा तो नहीं है, पूछ लेते हैं ना कि कौन सी क्लास से आया बेटा। तो अब छोटा बच्चा अगर मान लो कि गड़बड़ की हो, कोई नेता का बेटा है कुछ गड़बड़ की हो, तो वो बोल देगा कि हाँ तो मैं तो चौथी में था पिछले साल, तो उससे क्या पूछेंगे, उल्टा भी पूछेंगे कौन सी में पढ़ते हो, छठी में, अच्छा ठीक, कौन सी क्लास से आए हो, तो पांचवीं से। अब मेरा प्रश्न है कि पांचवीं से आया इसका मतलब क्या है, बताओ जरा, पांचवीं को छोड़ के आया, छठवीं से आया इसका मतलब क्या, छठवीं से छोड़ गया कि भाई साहब आप कहां से आए, तो कोई कहेगा मैं जयपुर से आया, तो जयपुर से आया का मतलब क्या, जयपुर को साथ लेके आया। लोक में हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कहां से आए, अभी मंदिर में कहां से आए, घर से आए, तो घर से आए का मतलब क्या, घर छोड़ के आए, और भाषा क्या बोल रहे हो, घर से आए। कोई दुकान से आया हो तो क्या बोलेगा, दुकान से आया, ठीक है कि नहीं। तो भाषा बोली वहां से आए, और उसका अर्थ क्या है, वहां वो छोड़ करके आए। जब लोक में उस भाषा का प्रयोग हम करें तभी हमें कोई तकलीफ नहीं, और जिनवाणी में वो भाषा आ जावे और इस भाषा का अर्थ इस प्रकार से किया जावे तो हम क्या बोलेंगे, इन लोगों ने शास्त्रों के अर्थ बदल दिए। अर्थ बदले कि सही अर्थ किए, बोलो कि ये सही अर्थ है, हाँ ऐसा ही है। तो आ गया, तो अब ऐसा होने पर क्या हुआ कि अनादि पौद्गलिक कर्म रचित
मोह को बद्य घातक के रूप में विभाग पूर्वक, यानी सीधी सी बात है, शुद्धोपयोग वन है ज्ञान कांड की प्रचंडता हुए, वो जब जब भी शुद्धोपयोग होगा ज्ञान कांड की प्रचंडता, उसको प्रचंड शुद्धोपयोग, मतलब शुद्ध परिणति की प्रचंडता, उसको उसको ज्ञान कांड की प्रचंडता बोलेंगे। और शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में क्या अंतर है, एक ज्ञान गोष्ठी में प्रश्न आया गुरुदेव श्री से किया कि शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि शुद्ध परिणति का उग्र रूप शुद्धोपयोग है। ऐसा आ गया। तो ये चर्चा पहले हो गई थी अपनी कि उनको विभक्त करने से, मैंने सबसे पहला कदम क्या होगा कि आपको जिसका अभाव करना है सबसे पहले तो ये जानो कि ये मुझसे न्यारा है। मतलब देखो, अभाव करने की, किसी का भी अभाव करने की पहली स्टेप ये होती है कि उससे पहले भेद ज्ञान खींच करो कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। राग और ज्ञान के बीच में संधि खींच दो, मोह और आत्मा के बीच में संधि है, खींच दो, मतलब कोई हमें नहीं खींचनी है, उनके स्वरूप लक्षण में ही संधि पड़ी हुई है। आगे बात समझ में, आपको मोह और ज्ञान कभी एक हुए नहीं, अज्ञानी ने एक माना तब भी वो एक नहीं हुए, हुए कभी नहीं, माने मानने में तो कुछ भी मान ले, मानने में तो कोई अपने को केवल ज्ञानी मान ले तो उससे क्या होता है, कोई अपने को प्रधानमंत्री मान ले तो उससे क्या होता है, कोई अपने को राष्ट्रपति मान ले तो उससे क्या होता है, कोई अपने को सिद्ध परमात्मा मान ले उससे क्या होता है, मानने में तो कुछ भी मान ले। इसी तरह अज्ञानी अपने को निगोदिया मान ले तो क्या होता है, निगोदिया हो जाता है क्या आत्मा, कुछ भी मान ले, मानने से कुछ नहीं होता। वस्तु का स्वरूप क्या है, क्या अज्ञान और मोह के बीच में संधि तो है, लेकिन ये संधि का हमें पता नहीं। तो पहला नंबर क्या होगा कि आपको अभाव करना ना, राग का, मोह का, मोह का, राग का, द्वेष का, तो सबसे पहले ये कि उनके विभाग ज्ञान पूर्वक, माने विभक्त करने से स्वयं केवल आत्म भावना के अर्थात आत्मानुभव के प्रभाव से परिणति निश्चल की होने से समुद्र की भांति अपने में ही निष्कंप रहता हुआ। पहले क्या था, पहले क्या था, मोह की भावना में मगन था वो, अभी किसमें, अभी किसमें मगन हो गया, आत्मा की भावना में। देखो अंतर क्या हुआ, भावना, इसका मतलब क्या हुआ, तो भावना करना तो हमें आता है। लोग बोलते हैं ना ध्यान करो, ध्यान के शिविर लगाओ, है ना, बहुत बीमारी चली, ध्यान के शिविर लगाते हैं लोग, एसी हॉल में बढ़िया लेंगे कमरा, मतलब हॉल लेंगे एसी बढ़िया, एक आदमी ध्यान कराने वाला होगा। फिर अभी क्या है, अपन लोगों ने थोड़ा रूप बदल लिया, अपने मुमुक्षुओं में भी कुछ लोगों में बीमारी चल पड़ी है, तो उनने रूप बदल लिया, शुद्धोसी, निरंजनोसी, बुद्धोसी, वो जो सूत्र है ना ध्यान सूत्र, तो वो उनको बोलने लगे, वो समझते हम ध्यान करते, इस तरह ध्यान नहीं होते, ये ध्यान का तरीका ही नहीं है। अरे और दूसरी बात, ध्यान करना सिखाना किसको है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे ध्यान करना नहीं आता, बताओ जरा, लोक में बता दो ध्यान करना नहीं आता, भले आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, कोई सा भी ध्यान करे, ध्यान करना तो आता है। ध्यान मतलब किसी भी विषय में लवलीनता, एकाग्रता, और अपन हो जाते हैं किसी विचार में अपन चढ़े तो कोई अपने सामने से निकल गया, अपने को पता ही नहीं पड़ता है, तो ध्यान करना तो आता है। गलती क्या है कि ध्यान का ध्येय क्या है तो वो पता नहीं है, कि ध्यान का ध्येय कौन है, कि ध्यान का ध्येय एक त्रिकाली शुद्धात्मा, वो ध्यान का ध्येय है, उसका पता नहीं है। आ गया। तो आत्म भावना में तो क्या करता है, केवल आत्म भावना, मैंने आत्मानुभव के प्रभाव से परिणति निश्चल की होने से समुद्र की भांति अपने में ही अति निष्कंप रहता हुआ एक साथ ही अनंत ज्ञप्ति व्यक्तियों में व्याप्त होकर अवकाश के अभाव के कारण सर्वता विवर्तन माने परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, तब ज्ञप्ति व्यक्तियों के निमित्त रूप होने से जो ज्ञेयभूत है ऐसी बाह्य पदार्थ व्यक्तियों के प्रति उसे वास्तव में मैत्री नहीं वर्तती। ये चर्चा हुई थी कल कि अज्ञानी को क्या वर्तती है कि बाह्य ज्ञेय पदार्थों के साथ में ज्ञप्ति व्यक्तियों के साथ में उसे मैत्री वर्तती है, और अज्ञानी और ज्ञानी होने पर क्या होता है,
कि उसकी मैत्री टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि उसकी मैत्री अपने चैतन्य में लग जाती है। मैत्री की बात है, पर के साथ मैत्री अज्ञानी, अपने साथ मैत्री ज्ञानी, बराबर। तो प्रवर्तता, इसलिए आत्मविवेक सुप्रतिष्ठित मन सुस्थित हुआ होने के कारण अत्यंत अंतर्मुख हुआ। कैसा हो गया? वो एकदम अंतर्मुख हो गया, अत्यंत अंतर्मुख हुआ। ऐसा यह आत्मा पौद्गलिक कर्मों के रचयिता राग द्वेष रूप परिणति से दूर होता हुआ पूर्व में नहीं अनुभव किए गए अपूर्व ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को अत्यंतिक रूप से ही प्राप्त करता है। कैसा? कि जो आज तक अपूर्व अनुभव, अपूर्व में अनुभव नहीं किया गया, ऐसा अपूर्व ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को अत्यंतिक रूप से ही प्राप्त करता है। अभी तक नहीं किया है ना। देखो चरणानियुक्त सूचित चिलिका आई, मुनिराज की मुख्यता से भी बात आवे। एक चीज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में से समझ लेना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक बात कही कि जिनागम में जो बात मुनिराज के लिए लागू हुई है, लागू की गई, मुनिराज की अपेक्षा से जो कथन आया है, श्रावक को श्रावक की भूमिका के योग्य और सम्य दृष्टि को सम्य दृष्टि की भूमिका के योग्य, उसे समझ लेना चाहिए। ख्याल में आ गया? नहीं आ गया? कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञानी, कभी आचार्य भगवान ज्ञानी की मुख्यता से वर्णन करेंगे और कभी आचार्य भगवान मुनि की मुख्यता से वर्णन करेंगे, ठीक है। लेकिन वर्णन वो करें, लेकिन उन्होंने निर्देश दे दिया ना अपने को कि ये वर्णन हम ज्ञानी की मुख्यता से करें, तो मुनियों पे घटित, मुनिराज पर, श्रावक पर, सब पे अपन घटित कर ही लेते हैं कि जो सारे सम्य दृष्टि की ऐसी दशा तो श्रावक की कैसी होगी और मुनिराज की दशा तो कैसी अद्भुत होगी, है ना। गणधर देव का नमस्कार जिस दशा को पहुंचे वो दशा तो कोई अद्भुत होगी, बराबर है। और जब मुनिराज की मुख्यता से कोई बात आवे तो अपने को पल्ला झाड़ने की जरूरत नहीं, है ना। अपन देखो सम्य दृष्टि के लिए और श्रावक के लिए भी वो बात लागू होनी चाहिए, और जो जिसको आत्महित करना है उसके लिए भी वो बात भावना का विषय होती है। प्रणमन तो नहीं कर सकता ना, आप अभी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भावना तो हो, और भावना में भी वो बात नहीं आवे तो फिर कब प्रणमन हो जाएगा? भावना में नहीं आवे तो प्रणमन हो जाएगा, कि भूल में मत रहना। प्रणमन के पहले भावना आती है, और उछलती हुई भावना ही प्रणमन को लाती है। क्यों? जब तुम्हें गरज ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है आत्मा की, तो आत्मा क्यों आएगा? इतना कोई वो क्या बेगैरत है आत्मा, कि जिसको आत्मा की गरज नहीं उसे आत्मा अनुभव में आ जाए? आत्मा की कैसी उछलती हुई भावना, तो वो जो भावना है ना उस भावना में से प्रणमन आता है। आ गया? कहां से आता है प्रणमन? भावना से प्रणमन, क्योंकि भावना से भवन होता है। और स्वभाव की भावना हो और वो भावना फलित ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, बराबर समझ में आएगा? नहीं तो वो बहुत अद्भुत बात है। देखो यहां पे कहते हैं वो पूर्व में अनुभव नहीं किया, ऐसा अनुभव करे तो करता है। अभी समझ लेना कि जिस भी भूमिका की बात हो, अरे हम तो कहते हैं अरहंत और सिद्ध की बात हो तो भी अपने पर लागू करना, क्योंकि जिनवाणी अरहंत सिद्ध की बात अरहंत सिद्ध को समझाने के लिए नहीं कर रही, सम्यक दृष्टि को समझाने के लिए भी नहीं कर रही जिनवाणी बात। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि तो समझ चुका तभी तो सम्यक दृष्टि है। सारी की सारी जिनवाणी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए है। अब वो ज्ञानी की मुख्यता से बात करे, श्रावक की मुख्यता से बात करे, अरे अरे मुनिराज की मुख्यता से बात करे, किसी की भी मुख्यता से बात करे, बनाना अज्ञानी को ज्ञानी है, सुनाना अज्ञानी को है। ज्ञानी को क्या सुनाना? ज्ञानी तो पारायण करता है उसको, वो तो रिवीजन करता है, वो तो जान चुका है ना इस बात को, है ना। हाँ जैसे होता है ना, अपने बुजुर्ग लोग हो और अपने बुजुर्ग लोग अपने से उठ के बोले कि भाई जब तुम्हारी उम्र के हम थे ना 5 बजे तो उठ जाते थे,
वो 4 किलोमीटर दौड़ते थे, और आज भी तुम दौड़ने में हमारा मुकाबला करके दिखा सकते हो तो दिखाओ। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कभी कभी जब बात करिए क्या मतलब कि ये कहना चाह रहे बेटा कि तेरे से सीधा ये तो नहीं कह सकते कि तू 8-8 बजे 9-9 बजे उठता है तो ये तेरी आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे अपनी इज्जत प्यारी है, अभी मैंने कुछ बोला रही है कुछ बोल देगा तो वो इस बहाने तुझे शिक्षा दे रहा है कि आज भी हमारी तंदुरुस्ती का राज जानना चाहता हो तो ये है। तो अपनी बात कह करके किसको उपदेश दे रहा है, हैं? लोक में नहीं होता कि आपको बहू को डांटना है तो क्या करो कि बेटी को डांटना शुरू कर दो। मैं एक अच्छा गुरु बता रहा हूं आपको, नहीं तरीका। और बहू को डांटना शुरू कर दिया तो समझ लेना चौके दो होंगे, रोक नहीं सकते हो आप। और बेटी को डांटा तो कि समझदार बहू होगी तो अपने आप समझ जाएगी, और नहीं समझदार होगी तो भगवान नहीं समझा सकता है कि नहीं। तो आचार्य भगवान हमसे तो वो अपनी बात करते हैं, हम तो आत्मा का आनंद भोग रहे हैं, तो हमको आप भोग रहे हो तो हमें क्यों बता रहे हो कि हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे मुंह में भी पानी आता है कि नहीं आत्मा के अनुभव का भोगने का। हम भोग रहे हैं आत्मा के अनुभव को, तो हम आत्मा का अनुभव भोगने की बात हम अपनी महिमा बताने के लिए नहीं कर रहे, है ना। क्या तुम्हें भी आत्मा का अनुभव, आत्मा की अनुभूति करने के लिए तुम्हारे मुंह में पानी आता है कि नहीं, तो वो आत्मा की अनंत रिद्धि सिद्धि, और ज्ञानी तो सतत उसका अनुभव करते हैं, और ऐसा है और वैसा है, ऐसा वैभवशाली है, क्यों बता रहे हैं। वो अपनी बात करके भी जगत को समझा रहे हैं, वो अपने उनको अपनी अनुभूति की प्रसिद्धि नहीं करना है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो तुम हतोत्साहित हो गए हो कि हमसे नहीं हो सकता, तो वो ये कह रहे हैं कि जब हमने किया तो तुमसे क्यों नहीं हो सकता। कि साहब हम तो पंचम काल के हैं, तो आचार्य कहते हम भी चौथे काल से नहीं आए हैं, कि हमने तो बहुत विराधना की है, आराधना करके हम भी नहीं आए हैं, हमने भी यही प्राप्त किया और तुम भी यही प्राप्त करोगे। आ गया। तो अपने को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने उनकी भूमिका की बात की, ज्ञानियों की बात की, श्रावकों की बात की, ये सब उन ज्ञानियों को, दृष्टियों को, श्रावकों को, मुनिराजों को नहीं समझाना। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे द्वादशांग का सार जान चुके, और पांडे राजमल जी साहब ने लिखा ज्ञानी को शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है। अटक नहीं शब्द का प्रयोग किया है, नहीं पढ़ते ये नहीं क्या, अटक नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि पढ़े ही पढ़े वो। क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़ करके जो आत्मा का अनुभव करना था कि वो आत्मा का अनुभव उसने कर लिया, अब उसी बात को अज्ञानी पकड़ेगा। मेरे तो साधक को समय सार क्लास में लिखा है शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं, तो तू मर जाएगा बेटा। ज्ञानी को अटक नहीं है ना, तू अपने लिए लगा लेगा उस बात को कि नहीं आपने तो कहा था कि जो बात ज्ञानी के लिए कही हो अपने पे भी लगाना, है ना, कि भावना भाई ऐसी अभी कि मैं, हे प्रभु कब वो दिन आवे कि जब मेरे भी शास्त्र पढ़ने की अटक छूट जावे, कि हे प्रभु कब वो दिन आवे कि जब मुझे आपके दर्शन करने नहीं आना पड़े। कहे कैसी बात कर रहे हो, भगवान के दर्शन करने नहीं आना पड़े? अरे जब भगवान हो जाओगे तब भी भगवान के दर्शन करने आओगे क्या? भगवान के दर्शन करने नहीं आना पड़े इसका मतलब क्या कि स्वयं भगवान हो जाने की भावना, भगवान का दर्शन करने नहीं आना पड़े तो क्या करे, दूरदर्शन के दर्शन करे, तो वो नहीं है बात। तो भावना के रूप में वो बात आएगी, सम्यक दृष्टि को जो बात कही वो अपने लिए भावना के रूप में लागू होगी, और भावना में से भवन आएगा। अपनी भावना हो स्वभाव की प्राप्ति की और स्वभाव की उपलब्धि ना हो, ऐसा एक उदाहरण आज तक पुराणों में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वो यहां पे कह रहे हैं कि जगत भी, अब यहां क्या कह रहे हैं देखो, फिर कह रहे हैं वो कि वो तो प्राप्त करता है, जगत भी ज्ञानानंदात्मक परमात्मा को अवश्य प्राप्त करो। लो आ गया, मैं अपने घर से तो नहीं कही कोई बात कि आचार्य भगवान अपनी बात करते हैं, ऐसा अनुभव करता है वैसा अनुभव करता है, उसके बाद ये इतनी बात क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जगत भी माने जगत के अज्ञानी जीव भी, भाई ज्ञानानंद आत्मा को प्राप्त करो
तो ये मुनियों को लिए तो कहा नहीं होगा, सम्यनिष्ठियों को तो कहा नहीं होगा, श्रावकों को तो कहा नहीं होगा, ये तो अज्ञानियों को ही कहा ना, क्योंकि ये पहले कह चुके कि पूर्व में अनुभव नहीं किए गए अपूर्व ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को आत्यंतिक रूप से ही प्राप्त करता है। और जब वो प्राप्त कर सकता है तो भाई तुम में क्या तकलीफ है भाई? तो आचार्य भगवान कहते हैं जगत भी, और देखो कितना आचार्य भगवान का विशाल हृदय, एक वीतरागी संतों की विश्वव्यापी करुणा है ये। कैसी करुणा? कि सारे जगत पर उनकी करुणा बरसी। देखो जगत में तो निगोदिया भी आया है ना, तो निगोदिया भी प्राप्त करो। कहां निगोदिया भी प्राप्त करो, हम तो निगोदिया के लिए भी ये भावना बाते हैं कि ये भी अनादि निगोद को शांत करके सादी अनंत सिद्धालय को प्राप्त करें। समझ में आ गया? ये भावना भाते हैं। गुरुदेव के प्रवचन आता ना कभी कभी, बेचारा कब ये जीव यहां से निकले, वो एक इंद्रिय पेड़ पत्तियों में की जो को होता था ना, बोलते थे बेचारा कब ये जीव यहां से निकले, कब मनुष्यपना प्राप्त करे, कब इसे सत्य बात कान में पड़े, कब ये सत्य रूप परिणमन करे। आ गया? ऐसा तो जगत भी, मैंने जगत के सभी जीव सामूहिक आमंत्रण दिया है, बिना कोई राजदेश नहीं है ना, कि उनसे रिश्तेदारी मत रखना और उनसे रखना, ऐसा कोई चक्कर नहीं। सब जीव हमारे द्रव्य तरीके साधर्मी है। समझ में आ गया? हाँ, जगत में अन्य मति आए कि नहीं आए? अच्छा बोलो आगे। तभी तो लोग जैन मतियों को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ये आचार्य भगवान कह रहे हैं अन्य मति भी, क्यों? हम तो सभी जीव है ना, एक समय की भूल है पर्याय में। हम तो जो ये कह रहे हैं, हम तो उनके लिए भी ये भावना भाते हैं कि वे भी ज्ञानानंदात्मक आत्मा को प्राप्त करें। हम तो उनके प्रति भी, देखो तो स्वप्न में भी कभी द्वेष का भाव से अपन कोई बात नहीं करते। यथार्थता जो है वो तो आएगी बात, लेकिन द्वेष तो सिर काटने वाला हो अपना, उसके प्रति भी अंदर में नहीं होना चाहिए। अन्य मत किसी के प्रति द्वेष का क्या काम है यहां पे? जिनवाणी राग छोड़ के द्वेष करना सिखाती है क्या? लेकिन द्वेष नहीं करना, इसका मतलब असत्य का समर्थन करना, असत्य की अनुमोदना करना, असत्य के लिए खड़े रहना, वो नहीं होगा। कि भाई साहब आपको तो मस्जिद से बहुत द्वेष है, क्यों? क्यों आप तो जाते नहीं वहां, कोई कहे ऐसा अपने से चलेगा? कोई अपने से कहे आप तो उस मंदिर में जाते ही नहीं, आपको तो बहुत द्वेष है? कि भाई द्वेष का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा प्रयोजन उनसे सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा प्रयोजन वीतरागता का है, मेरा प्रयोजन आत्मा की उपलब्धि का है, और जो स्वयं आत्मा की उपलब्धि से भटके हुए हैं, आत्मा की उपलब्धि से दूर हैं, मेरा उनसे कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन नहीं माने मुझे द्वेष है? द्वेष किसने कहा आपसे द्वेष है? प्रयोजन नहीं होने का मतलब द्वेष है? मान लो अपने को किराने का सामान चाहिए, पास में कपड़े की दुकान भी है, अब कपड़े की दुकान वाला आवाज लगा रहा कि भाई साहब आओ आओ, कि नहीं नहीं भाई साहब अभी मेरे को सामान लेना। अच्छा आपको हमसे बड़ा द्वेष है जी, तो द्वेष क्यों भाई? मुझे किराने का सामान लेना है तो मैं किराने की दुकान पे जाऊंगा ना, मैं कपड़े की दुकान पे क्यों जाऊंगा? और कपड़े का लेना उस समय किराना वाला कहे कि भाई साहब आप तो आते ही नहीं, आपको तो बहुत द्वेष है, कपड़े वाले के यहां तो बहुत जाते हो आप, तो द्वेष माना जाएगा क्या वो? कि मेरे को कपड़े खरीदने हैं तो मैं किराने की दुकान पे आऊंगा क्या? मेरे को किराना खरीदना है तो कपड़े की दुकान पे जाऊंगा क्या? है ना, मुझे वीतरागता प्राप्त करनी है, मुझे आत्मा की अनुभूति प्राप्त करनी है, तो मैं रागी देशियों के यहां जाऊंगा जो आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा की अनुभूति का सीधे सीधे निषेध कर रहे हैं। क्या मैं उनके पास जाके आत्मा की अनुभूति की कला सीखूंगा? कि जो खुद ही ये कह रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति हो ही नहीं सकती, और अभी तो आत्मा शुद्ध है ही नहीं, तो उनसे मुझे आत्मा की अनुभूति की कला मिलेगी या उनसे मुझे आत्मा की अनुभूति की कला मिलेगी? कि जो ये कह रहे हैं कि सारा जगत भी ज्ञानानंदात्मक परमात्मा को अवश्य प्राप्त करो, बोलो मैं इन वीतरागी संतों के पास क्यों नहीं जाऊंगा भाई? जो ये कह रहे हैं कि जगत प्राप्त करो, मेरी चिंता नहीं, पूरी जगत को निमंत्रण दे रहे हैं, पूरी जगत के प्रति उनकी करुणा बह रही है, एक अपने अकेले के प्रति नहीं। बोलो हमारा प्रयोजन है, प्रयोजन कहां सदेगा? लोक में भी होता है कि नहीं? जहां अपना प्रयोजन सदता है अपन लोग वहां पर
जाते हैं और अपना प्रयोजन नहीं हो तो नहीं जाते, नहीं संपर्क करते। इससे इसका अर्थ हमें द्वेष है कि ना तो भाई साहब द्वेष है और ना आपके प्रति अनुराग है, आपके प्रति हमारा माध्यस्थ भाव है। माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, अपने से विपरीत वृत्ति वाले के प्रति माध्यस्थ भाव। एक ज्ञानी आचार्य भगवान अपने को तो अपनी आत्मा की अनुभूति की प्रेरणा दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, तो वो बात अपन यहां पर कह रहे हैं। इसके बाद एक श्लोक आएगा ये 20 और 21। अभी ये दो श्लोक और इसमें बहुत जोर, 20, 21, 22, अभी तीन श्लोक बाकी है अपने, है ना। तो तीन श्लोक आएंगे, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे, कल इसकी चर्चा करेंगे।